कुल्टी थाना अंतर्गत मनबड़िया क्षेत्र जो रविवार को रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था, जहां लाठी डंडे तलवार और गोलियों की तड़तड़ाहट से लोगों में खौफ पैदा हो गया। ये घटना एक जमीन विवाद को लेकर हुई, जिसमें लोगों का आरोप है कि आरोपियों ने लाठी डंडे से तलवार से लोगों पर वार किया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं और 3 राउंड गोली भी फायरिंग की गई। घायलों का इलाज आसनसोल जिला अस्पताल में कराया गया। हालांकि इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने इस घटना को केंद्र कर रास्ता जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट CFM के साथ। बाउंड्री के अंदर से कितने राउंड गोली चला था? कम से कम 3-4 राउंड गोली चला। आप इस वक्त यहाँ पर थे? जी हाँ, मैं यहीं पर मौजूद हूँ। क्या घटना हुआ था शुरू से बताइए। यहाँ बस छोटा सा बात के लिए घटना हुआ यहाँ पे। बस एक मेरा भाई खड़ा होकर देख रहा था यहाँ पर साजिद बोल का लड़का, इसका जिससे झमेला हुआ है, नेमत्तर का लड़का है, ठीक है, वहाँ से हल्का फुल्का झमेला हुआ। वो लड़का मेरा भाई खड़ा होकर देख रहा था, ये आके साजिद बोला उसको कि तुम यहाँ खड़ा होकर क्या देख रहा हो, उसी में तो तुम्हें मैं हुआ। साजिद माँ का गाली दे दिया, इससे इसका वजह से भाई से झमेला हुआ। बाजार घटना में झमेला हुआ, चारों भाई मिल के यहाँ लुच गया। अगर हम लोग नहीं रहते, हम एक राजा बोल का लड़का है, हम लोग नहीं रहते तो मार देता उसको जान यहीं पर ईटा पे गिरा के। क्या चीज से वार कर रहा था वो लोग? हाथ से पूरा फाइटा फाइटिंग कर रहा था, यहाँ पर ईटा पे सुता का पूरा मार रहा था, पूरा नाक उक मार के फाड़ दिया था। तलवार बाद में, ठीक है, तलवार तो बाद में चला, एक में छोड़ा के हम लोग लेके चल गए भाई को भी, इसको भी अंदर लेके चल गए। फिर अचानक 10 मिनट के बाद फिर देख रहे, फिर झमेला बढ़ गया, तो इतना बढ़ गया कि एकदम फाड़ा फाड़ी हो गया। भाई को पूरा मार के फाड़ फूड़ दिया। एक और बड़ा भाई है, वो भी आया, उसको भी मार के फाड़ दिया। एक तो है वहाँ का, बोल रहे यार मार के फाड़ दिया, फाड़ दिया। बस यही बात है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा रिंकू नाम हुआ। मेरा हस्बैंड को मैं देवर को कितना आदमी घायल हुआ? ये लोग का 5 जन मुझे मार रहे हैं, खाली रुपया लगता है, जान लगता है, साथ में बोल चले कि पुलिस ने जेब में कुछ कर दिया, तो पुलिस ने जेब में कुछ नहीं कोई कुछ नहीं। तीन बार आके गिरा तलवार से ध्यान से सर पे खिला दिया। मैडम को बोल कहे कि बार-बार बोला दिया तो हम लोग मार देंगे, शूट कर देंगे। बार-बार मैंने दोनों लड़का का टारगेट किया है तो शूट कर देंगे। किसी दिन अगर मेरे लड़का को कुछ होता है सर, इसका सारा जिम्मेदारी नहीं लगता। साजिद अख्तर, यासिर अख्तर, साकिर अख्तर और जाकिर अख्तर, ये लोग 4-5 जन होगा। गोली कौन चला? गोली कौन चला? बोलिए। वही साजिद अख्तर। नहीं अख्तर को चलाया, कौन चीज के लिए मारा है? इन लोग का झगड़ा था सर, मेरे लड़के से तो कोई मैटर है नहीं। उन लोग देख रहा था यार, पुराना दुश्मनी निभा रहा है। 2 साल पहले मेरा लड़का को गन रख करके नदी में मेरा लड़का को फंसा दिया था। ये मेरा लड़का का गमछा में गन रख दिया। पैसा लगाओ, कमन है धंधा करता है यहाँ पर। प्रशासन नहीं देखेगा। देवर से पता नहीं थोड़ा सा कुछ बात हुआ, उस बात में उसको मारने लगे। मेरे हस्बैंड भी नहीं थे घर में, आए तो देखे कि मार रहे, बस सब मिल के मारने लगा दोनों को। देखे, अब देख सकते हैं ना कैसे, हाँ घर में अंदर घुसा लिया है लोगों को। अब हम लोग तो सर घर में अंदर रहते हैं, अगर मोहल्ले का आदमी है उन लोग बता सकते हैं। मेरे हस्बैंड भी काम में थे, सिर्फ मेरे देवर थे, 3-4 भाई मिल के मार रहा। अगर कोई ऐसा बात हुआ था तो अब बात से बात कर सकते थे ना, इतना मारने का काम तो नहीं था, लेकिन इतना मारे भाई गया बचाने के लिए। तो देखे इनका भी हल्का कर दिया है, हाँ फायरिंग हुआ है, तीन हुआ है, किसी को लगा नहीं है। कितने आदमी आप लोग जख्म है? देखिए दो भाई है, दो भाई जख्म है। हम देखिए मारा है तलवार से हम लोग, हम अगर हम नहीं आते तो मेरे हस्बैंड को काट देते। हम बीच में आए हैं तो हम बोले कि नहीं हम नहीं हटेंगे, तो ऐसा होता है। आपका नाम? हसीना खातून। अरे हम खड़े थे वहाँ पे, तो उसका दीवार उठ रहा था वहाँ पे,
तो हम बोलेगा भाई कि खड़े हैं वहाँ पे, तो बता कहे खा यहाँ कहे खड़े तू यहाँ हटो, हम तुम्हारा तो जगह थोड़ी यही, तो कोई खड़ा हो सकता है। उसके बाद सब झमेले करने लगा, मान लीजिए सब चार पांच भाई आ गया, सब लड़ाई करने लगा उसे। हम अकेले थे। क्या चीज़ से मारा आपको? मारा हमको डंटा से, बुझाली फायरिंग भी किया वहाँ बंदूक से। क्या नाम है आपका? अभी दंसाली। हम चाय पी रहे थे होटल में, और उसके बाद एक है भाई नियाज खान, वो आया बोला कि अरे तुम्हारा भाई को मार के गिरा दिया गेट के अंदर में। फिर हम वहाँ से दौड़ के आए, गिए हुआ पर पूछे बोले क्या हुआ, बोला कि देखो तेरा भाई का ऐसे वो वहाँ पर दीवार भी लोग घेर रहा था, और वो बोला कि वो खाली पूछ रहे थे काहे ले घेर रहा है, उसका वजह से मारना शुरू कर दिया भाई को। कौन मारा? वही नायम अख्तर मारा, उसका चारों लड़का मिल करके मारा। वही यही ये लोग चमड़ा का धंधा करता है। किस लिए ऐसी कोई 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 मतलब नहीं। कितना आदमी का लगा है? हम लोग तीन लड़का का लगा, एक भाई का लगा, एक हमको लगा, एक किससे मारा गया? वो लोग डंडा से मारा, तलवार से मारा और रड से मारा, फायरिंग भी किया। मोटा मोटी तीन राउंड फायरिंग किया, गोली लगा नहीं, रड से मारा। माथा में मेरा पांच टाका लगा हुआ है। कंप्लेंट किया पुलिस को। क्या नाम है? मोहम्मद साहिद। जब तक इसका एक्शन नहीं होगा, उसका ऊपर केस नहीं होगा, तब तक रोड जाम रहेगा।